ओके, मैं पार्क से बाहर आ चुका हूँ और ये पार्क काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है। अभी जो आपने ड्रोन शॉट और सिनेमैटिक शॉट देखे वो थे भारत दर्शन पार्क के। फाइनली ये पार्क ओपन हो गया है। इसका उद्घाटन किया अमित शाह जी ने 25 दिसंबर को। मैं इस पार्क की ओपनिंग का काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था। मैंने इस पार्क की एक अपडेट वीडियो बनाई थी, जो बनाई थी मैंने 1 अक्टूबर को। उसके बाद काफी लंबा गैप हो गया इस पार्क को रेडी होने में। तो फाइनली ये पार्क ओपन हो चुका है पब्लिक के लिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरे पार्क को कवर करने वाला हूँ, अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, पहुंच गया भारत दर्शन पार्क। उस तरफ है इसका मेन गेट और उसी तरफ है पंजाबी बाग, इस तरफ है रजौरी। और इस पार्क की जो पार्किंग है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि आप अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी को कहां पे पार्क कर सकते हो। और इस पार्क की जो एंट्री टिकट है वो है अडल्ट्स के लिए 150 रुपये। अब इसका आपको मैं टिकट काउंटर एरिया दिखाता हूँ। ऐसी कुछ टिकट मिलेगी आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो 300 रुपये, क्योंकि दो बंदे हैं हम तो पर पर्सन 150 है। और ये है टिकट काउंटर एरिया। जैसे ही आप मेन रोड से अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में टिकट काउंटर एरिया मिलेगा, उधर है एंट्री गेट। चलो अंदर चलते हैं। ओके, पार्क के अंदर तो मैं आ गया हूँ और इस पार्क के अंदर आपको टोटल 22 चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें 21 चीज़ें होंगी मॉन्यूमेंट्स पूरे भारत से, अलग अलग राज्य से। एक होगा बरगद का ट्री। और ये जो सारी चीज़ें सारी वेस्ट से बनी होंगी, कौन कौन सी वेस्ट से बनी होंगी और कौन कौन से यहाँ पे आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये है पहला मॉन्यूमेंट, मीनाक्षी टेम्पल, देख सकते हो मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ पे आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहीं पर एक साइड में बोर्ड लग रहा है, इसी के बगल में यहाँ पर सारी चीज़ें लिख रही हैं कौन कौन सी यूज़ करी गई है इसको बनाने में। और ये है, आपको मैं दूर से दिखाता हूँ, नालंदा का मॉन्यूमेंट्स, नालंदा के जो अवशेष हैं वहाँ पे, उसमें से एक को चुन के यहाँ पे ये बनाया गया है। इसके बारे में वहाँ पे लग रहा है बोर्ड, मैं दिखाता हूँ इसको किस किस चीज़ों से बनाया गया है। यहाँ पे आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, क्या क्या लिखा हुआ है। समय अवधि 160 दिन लगे इसको बनाने में, मटीरियल यूज है, ये सारी चीज़ें, वेस्ट सीट, चैनल, एंगल, आयरन कास्टिंग, रिक्शा पाइप वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं इसको बनाने में। ये है गोल गुंबज और इसकी एक्चुअल लोकेशन यहाँ पे है कर्नाटका में। इसके बारे में यहाँ पे सेम हर मॉन्यूमेंट के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सेम इसके साथ में ये मिलेगा कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं और कितना टाइम लगा बनाने में, 180 दिन लगे इसको बनाने में। यहाँ पे इतना सारा वेस्ट यूज़ किया गया है, अभी मैंने गौर से देखा है तो आपको ये जो मेरी उंगली जहाँ पे, अभी यहाँ पे जो साइकिल के जो पैडल्स होते हैं वो सारे यूज़ किए गए हैं। और उसके ऊपर है गाड़ी के पिस्टन, ये आपको देख रहे होंगे, ये सारी गाड़ी के पिस्टन हैं। ये एकदम आपको क्लियर नज़र आ जाएंगे कि ये मटेरियल यूज़ किया गया, बाकी तो ये सारी आयरन की चीज़ें, पाइप वगैरह उनको मोड़ के यूज़ किए गए तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे को एकदम से पता चल गई कि साइकिल का पैडल और गाड़ी का पिस्टन है वो। और ये जयपुर की शान हवा महल,
इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अंदर की तरफ जो खिड़कियाँ उसमें स्प्रिंग यूज़ करी गई है, बाकी सारा है तो ये सारी वेस्ट ही है। बट मैं अभी रेकनाइज़ करूँ कि कौन सी चीज़ यूज़ करी गई है यहाँ पे इसको बनाने में। चलो वहाँ पे बोर्ड लग रहा है उसमें देखते हैं। 200 दिन लगे हैं इसको बनाने में, इतना टन वजन है इसका, ये इसकी डायमेंशन दी हुई है और उपयोग की गई चीज़ें हैं, एंगल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्प्रिंग जो मेरे को शॉकर स्प्रिंग जो मेरे को दिखाई दे रही थी। और जो मैं अभी बात कर रहा था कि मॉन्यूमेंट्स के अलावा आपको यहाँ पे एक बरगद का पेड़ देखने को मिलेगा, ये रहा वो बरगद का पेड़, देख सकते हो क्या इसकी जो बनाई है, ये भी पूरी पाइप वगैरह से बनाई है, अच्छा लग रहा है देखने में। इसको बनाने में कितना टाइम लगा, लेट्स चेक। इसको बनाने में 150 दिन लगे, इसका वजन इतना है, डायमेंशन दी हुई है और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, ट्रक चेसिस, कुकिंग स्टोव, पेट्रोल टैंक्स, कार स्टेयरिंग, बिजली के पोल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। और यहाँ पे आपको जो ये जो वट वृक्ष मतलब बरगद का जो पेड़ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। चलो रियल में तो अभी तक मैंने गेटवे ऑफ इंडिया देखा नहीं है, इसके नीचे से क्रॉस करता है, मतलब इसके नीचे से आप जा सकते हो, बाकी किसी मॉन्यूमेंट के आप इतना पास नहीं जा सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से बनाया गया है कि लोग इसके नीचे से जाएं, क्योंकि ये पूरा ट्रैक है यहाँ पर। बट यहाँ पर लोगों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर लोगों को लोग इसको ख़राब ना कर दें, क्योंकि इतना क्लोज आके देख रहे हैं। इसके अंदर लाइटिंग भी लग रही है, मैं शाम को दिखाऊंगा इसमें जो लाइटिंग के बाद कैसे नज़र आते हैं सारे के सारे। ये वो है, क्या बोलते हैं, टायर है ये जो आपको दिख रहा है ना ये सामने, ये सारे के सारे जो उसके साइकिल के टायर हैं ये। टायर रिम्स, वेस्ट शीट, चैनल, साइकिल के पार्ट्स वगैरह सारे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं यूज़ किए गए हैं। 160 दिन लगे इसको बनाने में, इसका वज़न 18 टन है, ज़्यादा है क्योंकि साइज़ देख ही रहे हो आप, बड़ा है इसका। पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, और ये जो कल उद्घाटन हुआ था ये वो वाला एरिया है। और यहाँ पे जो चार टेंपल है उनको बैक टू बैक एक के बाद एक लगाया गया है, दिखाता हूँ मैं कौन से टेंपल है, उस साइड से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे ये चार टेंपल हैं, 1 2 3 4 दिखाता हूँ मैं, चलो। ये है बद्रीनाथ का टेंपल, देख सकते हो बद्रीनाथ का टेंपल है ये, और उसको बनाने में 60 दिन, ये मैं हर जगह पे बता रहा हूँ मॉन्यूमेंट का, लेकिन इन्फॉर्मेशन है ये 15 टन है इसका वजन, 60 दिन लगे। और ये जो सारी चीज़ें यूज़ हुई है, पाइप्स, इंजन के पार्ट्स, एंगल, साइकिल हब, नट एंड बोल्ट, रियल में बद्रीनाथ का टेंपल ऐसा दिखता है, और इसको कॉपी किया गया है ऐसे, अच्छा लग रहा है देखने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंपल की तरफ, और दूसरा टेंपल है रामेश्वरम मंदिर, जो लोकेटेड है तमिलनाडु में। रियल में ये ऐसा है और यहाँ पे ऐसा बनाया गया इसकी रेप्लिका,
इसको बनाने में 80 दिन। ये गियर्स एंड चैन, लोहे की मूर्तियाँ, पाइप्स एंड रॉड, सिलेंडर्स, ओके। ये पास से दिखाता हूँ मैं आपको, आज थोड़ी धूप नहीं है ना तो थोड़ा अंधेरा इसलिए आ रहा है। और ये है तीसरा टेंपल, आपको शायद पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो ये है द्वारकाधीश मंदिर, जो है द्वारिका गुजरात में। ये रहा ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, 70 दिन लगे बनाने में इसको, 15 टन वो है, सारी चीज़ें यूज़ करी गई और कहाँ कहाँ पे जो इसके जो दिख रहा है वहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ करी गई है, जैसे ये गियर्स हैं वो रहे वहाँ पे, मैं क्लोजली दिखाता हूँ अभी आपको। ये शीट्स एंड रॉड्स, साइकिल के पार्ट्स दिखाता हूँ मैं क्लोज से, इस तरफ है ये गियर्स यहाँ पे मेरी फिंगर के आगे, बाकी इतना पहचान में नहीं आ रहा यहाँ पे कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि इनकी शेप एकदम अलग है तो पता चल जा रहा है। और मंदिर भी देखने में एकदम अच्छी खासी रेप्लिका बनाई है उसकी, द्वारिकाधीश टेंपल की। और ये है फोर्थ टेंपल, जगन्नाथपुरी। देख रियल में ये ऐसा है, इसकी लोकेशन है उड़ीसा इंडिया, ये रहा। और इसको बनाने में 60 दिन, 15 टन इसका वजन है, और कौन कौन से एरिया में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, नट बोल्ट, लोहे की रॉड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, टायर रिम्स, ओके टायर रिम्स, और सारी चीज़ें ये हैं क्या क्या यूज़ हुई हैं, टायर रिम्स वहाँ पे ऊपर की तरफ वो पता चल रहा है, फ्लैग एकदम स्टील रहेगा क्योंकि वो भी आयरन का ही है। और ये वाला जो पार्क है वेस्ट टू वंडर से काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको वॉकिंग ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलेगा। और ये है महाबत पैलेस, ये है जूनागढ़ गुजरात में, और इसको तो देखो आप रियल में ये ऐसा दिखता है, इसकी जो पिलर्स हैं उन पे जो स्टेयर्स हैं वो देखो, और रियल मतलब यहाँ पे एकदम रेप्लिका जो एकदम एग्जैक्ट कॉपी मार दी है, ये मेरे को सबसे सुंदर लग रहा है देखने में यहाँ पर ये। ओके इसके चारों तरफ नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, सबसे सुंदर लग रहा है मेरे को ये देखने में। और ये इसके क्लोज, ये जो आपको देख रहा है यहाँ पे, ये नट बोल्ट यूज़ करे गए हैं वहाँ पे, साइकिल की जो चैन होती है वो यूज़ करी गई है, वो भी है, और वहाँ पर शायद वो कांच की बोतलें हैं अंदर जो मेरे को दिखाई दे रही है, कांच की बोतलें यूज़ करी गई हैं, तो अच्छा लग रहा है चीज़ों को पहचानने में, मटेरियल को पहचानने में कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह मिलेगी बैठने की, अगर आप वॉक करते करते थक जाते हो तो यहाँ आप यहाँ पे बैठ सकते हो। और ये है सांची का स्तूपा, जिसको मैं रियल में भी देख चुका हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। ये चारों तरफ यहाँ पे आपको पिलर देखने को मिलेंगे, मतलब गेट देखने को मिलेगा एंट्री वाला। और ये जो मेरे को पता है ये पाइप है, पाइप को काट के बनाया गया है इसका ये ऊपर का ढांचा, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजली कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये एक्चुअल में तो यहाँ से इसके अंदर से एंट्री गेट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एंट्री का सिस्टम नहीं है। और इसके चारों तरफ यहाँ पे आपको बैठने की जगह भी मिलेगी ये पूरी। चलो देखते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट कौन सा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा ट्रैक है ये, क्योंकि ये जो पूरा पार्क है ये 8.5 एकड़ में फैला हुआ है। और के चारों तरफ एक ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, जिसकी जो लेंथ है अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट कौन सा है।
और इस पूरे पार्क को बनाने में अप्रॉक्स 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस पार्क के सबसे लास्ट में मिलेगा आपको ताजमहल। मैं अभी लास्ट में जा रहा हूँ, उसके बाद तो भी मैंने बीच में 2-3 मोन्यूमेंट्स स्किप कर दिए हैं। अब मैं पहले लास्ट से स्टार्ट करके फिर वापस जाऊँगा। तो ये रहा ताजमहल, ये आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, और जो निज़ामुद्दीन में वेस्ट टू वंडर है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये तो है, ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, बट मटेरियल कौन कौन से यूज़ करे गए हैं वो चीज़ें। ये ऊपर गुंबद में पोल्स यूज़ करे गए हैं, गियर्स यूज़ करे गए हैं, कहाँ पे, अच्छा वहाँ पे गियर्स यूज़ हुए हैं। और 150 दिन लगे बनाने में, 15 टन इसका वज़न है। और ये है मैसूर पैलेस, ये है कर्नाटका में, इंडिया कर्नाटका से 2-3 चीज़ें हैं यार। और ये सारी इंफॉर्मेशन है, 180 दिन लगे बनाने में, 15 टन। और देख सकते हो रियल में ये ऐसा दिखता है, और इसको ऐसे कॉपी मार दिया गया है। और इसको बनाने में 8 कलाकारों ने, 22 उस सह कलाकारों ने, और 150 मज़दूरों ने काम किया है इन सारे मोनूमेंट्स को बनाने में। और ये है चार मीनार, इसके नीचे से भी जा सकते हैं, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया और चार मीनार के नीचे से आप जा सकते हो। इसके पहले अंदर चलते हैं। ओके, अंदर से ऐसा है, ये सारे बोल्ट और नट वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं डेकोरेशन के लिए, मतलब वहाँ पे जैसी चीज़ें होंगी एकदम सेम यहाँ पे लगाया गया है। ये देख सकते हो सरिया है ये, और इसका बोर्ड कहाँ पे है, इसका बोर्ड, अच्छा उस तरफ है बोर्ड। चलो देख के आते हैं इसको कितना टाइम लगा बनाने में। 180 दिन लगे हैं, 17 टन है ये, हैदराबाद की शान चार मीनार। और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो ये पूरा ग्रीन है, यहाँ पे 12,000 पेड़ और 60,000 झाड़ियाँ लगाई गई हैं इस पूरे एरिया को ग्रीन रखने के लिए। और यहाँ पे भी आपको चिड़ियाघर की तरह इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेगी, क्योंकि 1.5 किलोमीटर के करीब लंबा ये ट्रैक है, अगर आप थक जाते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी तक ये सिर्फ मेरे को यहाँ पे 2 ही देखने को मिली है, जो कल अमित शाह जी को घुमाने में यूज़ हुई होंगी, क्योंकि उस पर लिख रहा है। और ये है अपना नेक्स्ट मोनूमेंट, आप पहचान सकते हो कौन सा मोनूमेंट है, अगर पहचान लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं बताता हूँ बोर्ड पे ले जाके। ये है विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में, विक्टोरिया पैलेस, 140 दिन, 15 टन वज़न, ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, गियर्स उसके गोल गुंबज पे, क्लच प्लेट, क्लच प्लेट कहाँ पे यूज़ हुई है, ओके, और आयरन मैश, अच्छा खिड़कियों पे आयरन मैश यूज़ हुआ है। और ये है हम्पी का रथ, जो हम्पी जगह कर्नाटका में, कर्नाटका की अप्रॉक्स मेरे को लग रहा है 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको 140 दिन, 15 टन अप्रॉक्स, सारी चीज़ें 15-16 टन ही हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई हैं देखते हैं। सिलेंडर्स, अच्छा सिलेंडर्स तो मेरे को दिख गए, ये रहे रथ के बीच में लग रहे हैं सिलेंडर, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये जगह तो साउथ में जाके देखने वाली है, मतलब जब मैं साउथ इंडिया जाऊँगा तब ये जगह ज़रूर जाऊँगा, बेंगलोर के पास है ये हम्पी का रथ। एक यहाँ पे भी आपको सिलेंडर देखने को मिल जाएगा, ये पूरा व्हील गियर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, वो रहा साइकिल वाली चीज़ है जहाँ से पैडल मारता है, जो उसके बीच में होता है जहाँ पे चैन चलती है वो रहे वहाँ पे। अच्छा मोनूमेंट है, इस पर तो काफ़ी मेहनत लगी होगी इन्हें बनाने में, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल के साथ में।
और इसकी हाइट भी अच्छी है। और ये जो पार्क है ये इंडिपेंडेंट पार्क है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो भी रात के टाइम पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सामने सोलर ट्री लगाए गए हैं ये 5, 1, 2, 3 यहाँ पे हैं, 2 अभी आगे की तरफ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। इन 5 ट्री से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो होगी 25 किलोवाट। और इसके साथ में यहाँ पर आपको ये ऊपर की तरफ ये दिख रही है, ये भी सोलर पैनल्स हैं, एक यहाँ पर और एक ये वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये लगाए गए हैं, मतलब इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो होगी 84 किलोवाट। तो ये आत्मनिर्भर पार्क है, यहाँ पे जो भी रात के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वो इनके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी वो ही यूज़ होगी, बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं ली जाएगी। जैसे इस पार्क में बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होगी, ऐसे ही यहाँ पे बाहर का जो पानी है वो यहाँ पे सिंचाई के लिए यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है ताकि जो यहाँ पे जो बगल में जो नाला है उसके पानी को साफ़ करके यहाँ पे सिंचाई के लिए यूज़ किया जा सके। और ये है कोणार्क मंदिर, कोणार्क जो है उड़ीसा में, और 180 दिन लगे 20 टन शायद, ये सबसे भारी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। साइडवेज दिखाता हूँ इसका, और ये हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। एक ये वाला मॉन्यूमेंट, ये यहाँ पे ये सारा अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये, और इसमें आपको पता नहीं कैमरे पे कितना पता चल रहा है, बियरिंग फ्लाई व्हील वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई हैं, पाइप को काट के यूज़ किया गया है यहाँ पे। और ये रही इसकी इन्फॉर्मेशन, 200 दिन 22 टन शायद, ये सबसे भारी है यहाँ पे। और इंजन के पार्ट्स, बाइक का इंजन, गियर्स, स्प्रिंग, और ये कि बुद्धा का लेटा हुआ स्टैचू, और ये है खुजराहो का टेंपल। फ्रंट से दिखाता हूँ, क्लोजली आप देख सकते हो कितना डिटेल के साथ में सारी चीज़ों को बनाया गया है। ये हाथी है, और पार्किंग मिलेगी आपको अगर आप इधर आए हो, रजौरी से पंजाबी बाग गए हो, तो जो खाली ग्राउंड है ये है पार्किंग भारत दर्शन पार्क की। सामने वो पिंक लाइन का पंजाबी बाग वेस्ट का स्टेशन है, और आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वहाँ पे पार्किंग नहीं है, यहाँ पे पार्किंग है। इस तरफ है भारत दर्शन पार्क, और ये जो पार्किंग है ये अप्रॉक्स वहाँ से 300-400 मीटर के डिस्टेंस पर होगी। देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड भी लग रहा है आउट, और अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर। ओके, अब मैं रात में शूट करने आया हूँ भारत दर्शन पार्क को। अब मैं रात में दिखाता हूँ कि लाइटिंग ऑन होने के बाद में ये पार्क कैसा दिखता है। तो आप ये देख सकते हो, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अब कम हो सकती है क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे लाइटिंग बार बार चेंज होती रहती है। और ये है जो ट्री दिन में दिखाया था बरगद का, और इसके आसपास यहाँ पे आपको फाउंटेन चल रहा है, पता नहीं मेरे को आपको मेरी आवाज़ कितनी सुनाई दे रही होगी क्योंकि फाउंटेन के कारण। और ये मीनाक्षी टेंपल,
इसमें आपको बीच में यहाँ पे विंडो नज़र आ रही होंगी, जो ये रियल का है, वहाँ पे सनसेट होता है तो धीरे धीरे जो है इसमें से सन दिखाई देता है पीछे। तो अगर मेरे को फ़ोटो मिलेगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी होगी मीनाक्षी टेम्पल की वो वाली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे अब पता चल रहा होगा आपको यहाँ पे बीच में विंडो है, तो रियल वाली में मतलब आप जैसे मैंने अभी दोबारा बताता हूँ मैं आपको, उसमें सनसेट नज़र आता है तो धीरे धीरे एक एक खिड़की में से नज़र आता तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी इस पार्क के अंदर कोई कैफेटेरिया नहीं है, तो मे बी यहाँ पे जगह छोड़ी गई है, इस पूरे पार्क में सिर्फ यहाँ पे अब जगह है, तो मे बी फ्यूचर में जाकर यहाँ पे कैफेटेरिया बनेगा, फूड कोर्ट मतलब। चलो आगे चलते हैं। अब दिन में बिल्कुल अलग था, रात में एकदम डिफरेंट नज़र आ रहा है, पूरी अच्छी खासी यहाँ पर लाइटिंग है। थोड़ी आज बारिश हो रही है ना, अब देख पता चल रहा होगा आपको, तो उसके कारण थोड़ी विजिबिलिटी ख़राब हो रही है। मोहब्बत पैलेस अभी मैंने दिन में भी दिखाया था आपको, और रात में ये रहा, रात में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना दिन में लग रहा था, क्योंकि इस पर बहुत बारीकी से इस चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। रात में आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। यहाँ पे स्क्रीन भी लगाई गई है मोनूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी ISO के कारण आपको इतने अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सारे मोनूमेंट्स की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इधर ये सामने वॉशरूम है ISO, ये इधर वॉशरूम है, दो जगह वॉशरूम है, और अभी यहाँ पे कोई कैफेटेरिया नहीं है। चलो आगे है इधर, अभी मेरे को याद है विक्टोरिया पैलेस या मेमोरियल बोल लो वो, उसके सामने हम्पी वाला रथ है, उसके आगे जाके आएगा ताजमहल, फिर वहाँ से ऐसे घूम के इस साइड जाना है। ये चार मीनार है, इसको अभी मैं आपको उस साइड से जब मैं आऊँगा तब दिखाता हूँ रात में कैसा लग रहा है। यह है विक्टोरिया पैलेस, कुछ लाइटों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लाइटों में इतना पता नहीं चलता, जैसे इस लाइट में अच्छा लग रहा है, अब ब्लू में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो वाइट सी होती है इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रहा हम्पी का रथ, और ये रहा ताजमहल। मेरे को यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कम लग रही है, ये है मैसूर का पैलेस, देख सकते हो इसका साइज सबसे बड़ा है वैसे, मतलब ऐसे लेंथ वाइज में अच्छा लग रहा है ये। और ये रही चार मीनार, इस पे लाइटिंग अच्छी की गई है, ये देखने में अच्छा लग रहा है। इसके नीचे से भी जा सकते हैं, मैंने दिन में दिखाया था आपको, बट अभी वहाँ पे लोग हैं तो हम साइड से चलते हैं। और इस पार्क को भी साउथ दिल्ली नगर निगम ने बनाया है। ओके, मैं पार्क से बाहर आ चुका हूँ, और ये पार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है पार्किंग की। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी की सारी ये, और यहाँ से जो पार्किंग है वो 400-500 मीटर दूर है, वो भी रोड के उस तरफ,
तो यहाँ पे बस ये इशू है, अगर आप गाड़ी से आओगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग की दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ से टो होने का भी खतरा है। अभी तो सबकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और बारिश आ रही है, तो मैंने भी अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, लेकिन इसकी पार्किंग 400-500 मीटर दूर है। रोड क्रॉस करके आओगे आप तो बस यहाँ पे यह दिक्कत है, वरना पार्क तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो बस इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ये पार्क फर्स्ट डे शूट कर लिया है और मैंने ये पार्क आपको दिन और रात में कैसा लगता है एक ही वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।